बनाएंगे मेसी रोटी। इसके लिए हमने ये 3 कप आटा ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 कप बेसन, 2 कप बेसन डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा क्रश कर ले इस तरह से, इससे इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आएगा। इसे क्रश करके डालें। 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच जीरा, गोटा जीरा ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे, इससे रोटी फोसरी बनेगी। 3 टेबलस्पून घी डाला है, इसमें 1 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये भी डाल ले। स्वाद के अनुसार नमक डाले, 1/2 चम्मच नमक डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये इस तरह का हो गया है। इसमें 1 टेबलस्पून घी और डाले। मोयन मिक्स होके कुछ इस तरह का हो गया है, इस तरह का हो गया है। अब इसमें हल्का निवाया पानी डाल के इसे आटे की तरह उसल ले। इसे थोड़ा टाइट ही लगाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे उसल ले। थोड़ा थोड़ा पानी डाले, इसका सख्त डो तैयार कर ले। पानी हल्का गरम लिया है, इस तरह से इसका टाइट डो तैयार कर ले। ये इस तरह का हो गया है, इस तरह का बिल्कुल टाइट डो तैयार कर ले और इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के छोड़ दे, इससे ये भीग जाएगा। आटा भीग चुका है, अब इसकी लोई बना ले। इस तरह से लोई तोड़ लिया है, इसमें सूखा आटा लगा के इसे बेल ले। इस तरह से बेल ले, इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। इतना मोटा बेल लिया है। गैस पे एक तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तवे पे डाल दे। एक साइड सिक जाए तो इसे पलट दे। इस तरह से गैस को मीडियम फ्लेम में रखे। दोनों साइड सिक चुकी है, अब गैस पे हम इसे सेक लेंगे। इसे हम पलकी की तरह सेकेंगे। इस तरह से मेसी रोटी बनाने से बहुत ही स्वाद लगती है खाने में। इसे कढ़ी के साथ बनाएं। इसे मीडियम फ्लेम में इस तरह से सेके घुमा घुमा के। बिल्कुल अच्छे से आकरा आकरा सेक ले। ये सिक चुका है, अब इसमें घी लगाएंगे अच्छी तरह से। मैं अच्छे से घी लगाएं। इस तरह से मेसी रोटी सिक चुकी है। इसे कढ़ी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारे राजस्थान में ये ज्यादा बनती है। इस तरह से सारी रोटियां सेक ले। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। शिवा मोना की रसोई आपकी घर की रसोई है। मसालेदार मेसी रोटी रेडी है।